नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, हाथ में जितनी होंगी ऐसी रेखाएं उतने होंगे आपके बच्चे। सामान्य तौर पर युवा होने के साथ हम जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह कब और किससे होगा। हम ये भी जानने को उत्सुक हो रहते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, परंतु विवाह के पश्चात जो पहली उत्सुकता हमारे भीतर जागती है वो संतान को लेकर होती है। बच्चे कब होंगे, कितने होंगे और बेटा होगा या बेटी, ये सब जानने की इच्छा लगभग सबके भीतर होती है। इसके साथ ही ये भी सच है कि इनके बारे में आपको कोई नहीं बता पाता, लेकिन हमारे हाथ की रेखाएं इस बारे में सब कुछ जानती हैं। इनका अध्ययन करके आप जान सकते हैं कि आपको कब, कितनी और कैसी संतान प्राप्त होगी। आइए जानें इन रेखाओं का राज। कहाँ और क्या होती है संतान रेखा? हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत के अंत में विवाह रेखा होती है। इसी के पास जो खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें संतान रेखा कहा जाता है। जहाँ विवाह रेखा आड़ी होती है, वहीं संतान रेखा खड़ी होती है। यदि हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर दो या तीन स्पष्ट हिस्सों में बट जाए तो ये संतान होने की निश्चित निशानी होती है। इस स्थान पर मौजूद हर रेखा संतान की संख्या बताती है। खड़ी और सीधी रेखा स्वस्थ पुत्र और टेढ़ी मेढ़ी पतली रेखा पुत्री होने का संकेत देती है। इन रेखाओं से जाना जा सकता है कि आपको पुत्र होगा या पुत्री। संतान रेखा से जुड़ी 10 बातें। यदि संतान रेखा एकदम साफ स्पष्ट और सीधी हो तो संतान सब गुण संपन्न रहती है। ऐसी संतान माता पिता का सम्मान करने वाली होती है। यदि संतान रेखाएं टूटी हुई हो या कटी हुई हो तो इसका मतलब है कि संतान पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि हथेली में संतान रेखाएं लहरदार हो या इन रेखाओं पर कोई बिंदु या दीप हो तो संतान दोष युक्त हो सकती है। यदि संतान रेखा बिखरी और अस्पष्ट हो तो संतान दुखी रहती है। ऐसी संतान रेखा वालों को संतान से काफ़ी कष्ट भी मिलता है। यदि संतान रेखा के अंत में कोई दीप जैसा निशान हो तो संतान के रोगी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यदि किसी पुरुष की संतान रेखा उसकी पत्नी की संतान रेखा जितनी ही स्पष्ट हो तो ऐसे पुरुष बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। यदि रेखा के पतले हिस्से में दीप हो तो बच्चे पहले कमज़ोर होंगे, लेकिन जैसे जैसे रेखा स्पष्ट होगी तो ये वे स्वस्थ होते जाएंगे। यदि संतान रेखा के अंत में दीप चिन्ह हो तो बच्चे के जीवित रहने की संभावनाएँ काफ़ी कम होती हैं। यदि पुरुष के हाथ में संतान रेखा स्पष्ट ना हो तो परेशान ना हो, क्योंकि ये रेखाएं महिलाओं के हाथ में अधिक स्पष्ट होती हैं। यदि संतान रेखाओं में से कोई एक रेखा अधिक लंबी और स्पष्ट हो तो माता पिता के लिए बाकी की तुलना में कोई भी एक संतान अधिक प्रिय होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।